हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। बर्गर बर्गर खाना हर किसी की चॉइस है, बट ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन्स हम बाहर का अवॉइड कर रहे हैं। सो क्यों ना आज बर्गर घर में ट्राई किया जाए, वो भी मैकडी जैसा बर्गर। मैं इसमें थोड़ा अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रही हूँ। हम स्टार्ट करेंगे बर्गर पैटी से। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। फिर 1 चम्मच इसमें जिंजर पेस्ट यूज़ करेंगे और उसको हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें गैस को। फिर जाएगी इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे चला लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद जाएगी 1/2 कटोरी बीन्स, बीन्स बारीक कटी हुई होनी चाहिए। बीन्स में काफ़ी पानी होता है तो इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए सौते करना है। उसके बाद जाएगी गाजर, किसी हुई गाजर। गाजर में भी काफ़ी पानी होता है तो कम से कम गाजर और बीन्स को 5-7 मिनट के लिए पकाना है। और उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसका पानी सूख जाएगा, तो हम इसमें मटर डालेंगे। 1/2 कटोरी मटर यूज़ की है मैंने यहाँ पे, और 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न यूज़ किए हैं। ये दोनों ही उबले हुए हैं, फ्रोज़न हैं। उसके बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच चिली पाउडर डालूँगी। आधी छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, और इसे अच्छे से चला लेना है। सारे मसाले मिक्स कर देने हैं। फिर जाएगा इसमें 1/2 चम्मच नमक। देन इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाना है। फिर इसमें ग्रेटेड आलू जाएगा 1 कटोरी, इसे मिक्स कर लेना है। फिर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पका के बंद कर देना है। अब हमारी आलू पैटी की पेस्ट तैयार है। बस अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिए की खुशबू हर चीज़ के जायके को और भी बढ़ा देती है। और इस धनिए को हमें मिक्स कर लेना है और एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम बर्गर की मियोनी तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे वेज मियोनी ले रही हूँ, वाइट कलर की। 1 कटोरी लेंगे और उसमें 3 चम्मच मैं वेज मियोनी लूँगी। ये हम इसमें 2 तरीके की बनाएंगे। पहली वाली में हम सिर्फ रेड सॉस यूज़ करेंगे, रेड कलर की जो बनेगी। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ले लिए मियोनी, इसके अंदर 1 चम्मच में सॉस डालूँगी। मैंने यहाँ पे मैगी सॉस यूज़ की है 1 चम्मच, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा चिली रेड सॉस, जिससे थोड़ा तीखापन आएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं रेड सॉस लूँगी, चिली सॉस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है मियोनी का, और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी होगी ये। मियोनी हमारी तैयार है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी लेंगे और इसके अंदर मैं 2 चम्मच मियोनी लेने वाली हूँ। और इसके अंदर हम हरी पुदीने की चटनी यूज़ करेंगे, और इसको मैंने घर पे बनाया है। थोड़ा सा पुदीना लेके उसमें 2-3 मिर्च डाली है हरी, और नमक यूज़ किया। ये देखो हरी चटनी। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच हरी चटनी को मिला लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका टेस्ट बहुत ही यम आया, ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आ जाएगा बर्गर खाते टाइम पे। ये देखिए हरी चटनी। अब हम पैटी बनाएंगे। मैं यहाँ पे पैटी के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, उस पैटी के पेस्ट में बर्गर के क्रम्स डाल लेंगे हम। और थोड़ी सी मैं इसमें चीज़ ग्रेट की है मैंने, मोज़रेला चीज़ को मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए किया है ताकि हमारे पैटी बनाते टाइम पे ऑयल में फूटे नहीं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से, ताकि
सब कुछ ये क्रम्स वगैरह इसमें मिक्स हो जाए। और इस तरीके से मैंने ये पैटी बना ली है, ये देखिए। अब ये हम पैटी का साइज़ और बर्गर के उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे बर्गर लेंगे और पैटी रख के देखेंगे उसके ऊपर। पैटी बस थोड़ी सी 19-20 छोटी होनी चाहिए बर्गर के साइज़ से, दैट मीन्स हमारी पैटी परफेक्ट साइज़ की है। अब हमें पैटी पे क्रम्स लगाने हैं और उन्हें फ्राई करना है, तो उससे पहले हमें उसे डिप करने के लिए हम एक कटोरी में मैदा लेंगे 3 चम्मच, और उसके अंदर जाएगा 1/2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से चला के मिला लेना है। जब ये अच्छे से इसका गोल बन जाएगा, और इसका गोल गाढ़ा होना चाहिए, काफ़ी पतला ना हो, ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है गोल, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी मिला लिया है। अब देखो ये मिलाते रहिए, और ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा गोल तैयार है अब इसका, ये देखिए। अब मैं पैटी लेके इसके अंदर डिप कर लूँगी। मैं डिप करके इसको फिर क्रम्स में ले जाऊँगी, क्रम्स वाले बाउल में मैं इस पर क्रम्स अच्छे से लपेट दूँगी। इस तरीके से हमें ज़्यादा इसको मूवमेंट नहीं करना है पैटी को, नहीं तो टूट जाएगी हमारी पैटी। जब इस पर क्रम्स अच्छे से लग जाएंगे, देन इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो मैं यहाँ सारी, मैंने 4 बर्गर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं चारों को इस तरीके से पहले तैयार करके रख लेती हूँ डिप करके क्रम्स लगा के। आप ये पैटी को कम से कम 2 महीने के लिए डीप फ्रीजिंग करके इस तरीके से रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है और मैं पैटी को डाल रही हूँ इसमें। गरम गरम तेल में बस 2 से 3 मिनट आपको फ्राई करना है इसे, डीप फ्राई। और जब ये हल्की ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेना है। हमारी पैटी तैयार है। फाइनली अब हम बनाएंगे बर्गर। मैंने नीचे वाला बर्गर का बेस ले लिया है, उसके पास रेड सॉस वाली मेयोनी लगाएंगे। जितनी आपको मेयोनी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कम से कम 2 चम्मच ले रही हूँ, और इसे अच्छे से बेस पे स्प्रेड कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद इस पर हमारी क्रंची प्यारी सी पैटी जाएगी। पैटी लगा दीजिए आप, और उसके ऊपर जाएगी चीज़। आपको चीज़ के स्लाइस ज़्यादा पसंद हो तो आप एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे गोल गोल प्याज काट लिए हैं, और टमाटर इस तरीके से लगा लेना है इनको। और उसके ऊपर यमी यमी टेस्टी टेस्टी हमारी पुदीने की मेयोनी जाएगी। वही सेम आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे मेयोनी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इस तरीके से बस आप स्प्रेड कर लीजिए इसको अच्छे से, और उसके ऊपर इसको कवर कर दीजिए फिर बर्गर की कैप से। और ये सब कुछ जो भी लगाया है इधर उधर हिले ना, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी चिड़िया की स्टिक लगा ली है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब हमारा बर्गर तैयार है, देखिए कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा। घर पे बना के देखिए, खा के देखिए इसको। आप ये बर्गर जिसको भी खिलाओगे, ट्रस्ट मी, उसका दिल जीत लोगे। वो मैकडी के बर्गर को भूल जाएगा, इतना टेस्टी बर्गर। वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।